हे फूड के दिलवाले, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे कश्मीर का बहुत ही फेमस डिश मटन रोगन जोश। वैसे तो कश्मीर में ये मुगल्स लाए थे, पर ये फेमस था पर्शिया में। मुगल्स कश्मीर अक्सर आया करते थे, तो इसीलिए ये कश्मीर का बहुत ही फेमस डिश बन गया। रोगन का मतलब होता है तेल या फिर घी, और जोश का मतलब होता है स्ट्यू, यानी कि धीमे आंच पर मीट को पकाना। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक हांडी लिया और उसमें 2.5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल को ऐड कर दिया। तेल को गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाला 1/2 kg ऑफ मटन और उसे अच्छे से फ्राई कर लिया। अगर हम मटन को अच्छे से फ्राई करेंगे तो उसके फ्लेवर्स बढ़ जाते हैं। फ्राई होने के बाद मैंने उसे निकाल लिया। फिर मैंने उसी हांडी में 2 टेबलस्पून ऑफ घी डाला और 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल लिया। वैसे तो मटन रोगन जोश को दो तरीकों में बना सकते हैं। एक है जो कश्मीरी मुस्लिम्स बनाते हैं और दूसरा जो कश्मीरी पंडित्स बनाते हैं। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाला 2 बड़ी इलायची और लौंग, 4 लिया मैंने। फिर मैंने डाला उसमें काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो आप डाल सकते हैं, पर मेरे पास पाउडर था तो मैंने डाल लिया। फ्राई होने के बाद मैंने उसमें डाला 4 लाल मिर्च। फिर मैंने उसमें डाला जीरा। इस रोगन जोश में हम रतन जोध भी डाल सकते हैं, वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। वो अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने डाला हींग। उसे अच्छे से मिला ले ताकि उसके फ्लेवर्स निखर सके। फिर मैंने उसमें डाला प्याज 1 कप। वैसे तो हम बना रहे हैं कश्मीरी मुस्लिम्स का डिश, हम उसमें ऐड करेंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने लहसुन का पेस्ट डाल लिया था। पंडित्स ये दोनों चीज़ें नहीं डालते हैं अपने रोगन जोश में। फिर मैंने उसमें डाला मटन जो हमने पहले से फ्राई कर लिया था। फिर हम डालेंगे उसमें वाटर 1/2 कप। उसे अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। वैसे तो सारे लोग बोलते हैं कि इसमें टमाटोस ऐड कर सकते हैं, पर अगर हम टमाटो ऐड करेंगे तो ये पंजाबी वाला रोगन जोश बन जाएगा। बॉईल होने के लिए हमने इसमें लिड रख दिया था। तो देखिए, फिर मैंने इसमें डाला सौंफ का पाउडर और फिर मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर और बाद में मैंने इसमें ऐड किया कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना तीखा खाना है। फिर मैंने इसमें डाला सौंठ का पाउडर। फिर मैंने सब कुछ अच्छे से मिला लिया। अगर आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो पहले से ही दूध में उसे भिगो लीजिए। फिर मैंने डाला नमक, वो भी आप स्वाद अनुसार डालिए नमक को। अगर आपको लगता है कि इसमें नमक ज़्यादा हो गया है, अगर हम आलू ऐड करते हैं तो वो नमक को खींच लेता है। मैंने उसमें डाला 1/2 कप दही और उसे अच्छे से मिला लिया 2 से 3 मिनट तक। और फिर मैंने उसमें डाला 1 कप वाटर। वाटर को इतना ही डालें ताकि वो बॉईल हो सके। फिर मैंने उसके ऊपर लिड लगा लिया था और फिर मैंने उसे बहुत ही धीमे आंच पर पकाया ताकि वो अच्छे से पक जाए अंदर से। ये रोगन जोश का मतलब ही होता है उसे धीमी आंच पर पकाना। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा ही टाइम चला जा रहा है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे धनिया के साथ गार्निशिंग किया था। आप रोगन जोश को चावल के साथ या नॉन के साथ भी खा सकते हैं, और सलाद को मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सलाद के साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो देखिए कितना ही स्वादिष्ट लग रहा है हमारा रोगन जोश। अगर आपको मेरा ये रोगन जोश अच्छा लगे तो अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे उसका पिक्स शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम भीमास किचन पे। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मेरा ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आप भी ट्राई कीजिएगा घर पर। अगर मेरी वीडियो सबको पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे फर्दर नोटिफिकेशन सबको आ सके।